तो फिर भाई रेडमी एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि ये स्मार्टफोन है रेडमी नोट 12 टर्बो। जी हाँ गाइस, आप सभी को पता होगा कि रेडमी ने अपना एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जो कि ये स्मार्टफोन है रेडमी नोट 12 सीरीज़, जो कि इस सीरीज़ के अंदर आपको तीन स्मार्टफोन देखने को मिले थे। लेकिन रेडमी एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि ये स्मार्टफोन है रेडमी नोट 12 टर्बो, जो कि आज की इस स्मार्टफोन के बारे में आपको सारी डिटेल में आपको बताऊंगा कि इस स्मार्टफोन की कैसी स्पेसिफिकेशन है, कैसी स्मार्टफोन देखने को मिलेगा एंड इसकी लॉन्च डेट क्या है, सारी चीज़ें इन टोटल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो फिर अगर बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आपको 6.7 इंच का आपको फुल एचडी प्लस ओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि इसमें आपको 120 हर्ट्ज का आपको हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ आपको 1000 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है, एचडीआर 10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड अगर बात करें कैमरास की, तो कैमरा में आपको प्राइमरी कैमरा में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, सेकेंडरी कैमरा को 8 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आएगा, एंड थर्ड कैमरा को 2 मेगापिक्सल का जो कि मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 5000 mAh की आपको बैटरी मिलती है एंड इसमें आपको 67 वाट का आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल सकता है। प्रोसेसर की बात करें तो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 देखने को मिल जाएगा। एंड इसी के साथ इस स्मार्टफोन के रैम की बात करें तो 8GB रैम देखने को मिलेगा, जो कि इसमें आपको स्टोरेज में आपको 256GB स्टोरेज के साथ आपको देखने को मिल जाता है। एंड ये थी इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन। लेकिन अगर बात करें ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा, तो ये स्मार्टफोन आपको मार्च या फिर अप्रैल के महीने में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। एंड इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो कि इसकी प्राइसिंग रहने वाली है, वो इसकी प्राइसिंग जो रहेगी 20-30,000 के अंदर ही ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। तो फिर आज की इस वीडियो में इतने, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक लेते हैं, बाय बाय।